चाणक्य IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नासा के डार्ट मिशन के बारे में, जो हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। पहली बार कोई इंसानी अंतरिक्ष यान किसी एस्ट्रॉयड से टकराया है। ये धरती की ओर खतरे के रूप में बढ़ने वाले एस्ट्रॉयड का रास्ता बदलने की पहली टेस्टिंग थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान डार्ट यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट अंतरिक्ष में मौजूद एक एस्टेरॉयड डाइमॉर्फस से टकराया है। नासा का करीब 42 फीट और 570 किलो का अंतरिक्ष यान डार्ट 2560 फीट और 5 अरब किलो के एस्टेरॉयड डाइमॉर्फस से टकराया है। ये टक्कर धरती से करीब 1.1 करोड़ किलोमीटर दूर हुई है। नासा के अनुसार डार्ट करीब 22.5 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एस्टेरॉयड से टकराया। इस टक्कर का उद्देश्य उस एस्टेरॉयड को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसकी ऑर्बिट यानी एक तरीके से उसके रास्ते में बदलाव करना है। ये पहला प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट है और ये किसी एस्टेरॉयड से टकराने वाला दुनिया का पहला स्पेस मिशन है। इसमें डार्ट के करीब आने के साथ ही डाइमॉर्फस एस्टेरॉयड का साइज बड़ा होता जाता है और अंत में डार्ट के उससे क्रैश होते ही कनेक्शन टूट जाता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, यानी डार्ट सफलतापूर्वक एस्ट्रॉयड से टकरा जाता है। अगर हम बात करें कि डार्ट मिशन जो हाल ही में संपन्न हुआ है, ये सफल रहा या नहीं, तो कहा जाएगा कि हाँ, ये कामयाब रहा। एस्टेरॉयड से टक्कर का मिशन का जो पहला हिस्सा है वो कामयाब रहा। वैज्ञानिक अगले 2 महीने एस्टेरॉयड की स्पीड और मूवमेंट की निगरानी करेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी अगले 2 महीने बाद ही इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी कि नासा एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने की कोशिश में कितना कामयाब रहा। हालांकि मिशन का दूसरा लक्ष्य यानी अभी से जानना बाकी है कि एस्टेरॉयड की टक्कर से उसकी ऑर्बिट में कितना बदलाव हुआ है। इसी से ये पता चलेगा कि भविष्य में धरती को किसी एस्टेरॉयड से खतरा होने पर उसका रास्ता बदलने का ये मिशन कितना कामयाब हुआ। वैज्ञानिकों को इस टक्कर से एस्टेरॉयड का एक बड़ा गड्ढा बनने और करीब 10 लाख किलो पत्थर और धूल स्पेस में बिखरने की संभावना थी। इस मिशन के पूरे असर का पता 2024 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट हेरा के डाइमॉर्फस पर जाने से पता चलेगा। हेरा 2026 तक वहां पर पहुंचेगा। अगर हम बात करें कि स्पेसक्राफ्ट को डाइमॉर्फस तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, तो डार्ट के साथ इटालियन स्पेस एजेंसी का बना एक सैटेलाइट लिसिया क्यूबा भी भेजा गया है। 19 मीटर का डार्ट करीब स्कूल बस के साइज का था। इसे डाइमॉर्फस एस्टेरॉयड तक पहुंचने के लिए 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। अब करीब 10 महीने के सफर के बाद ये 26 सितंबर को डाइमॉर्फस एस्टेरॉयड के पास पहुंचा और इसी दिन उससे टकराया भी। अगर हम बात करें कि क्या इस टक्कर से धरती को कोई खतरा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि नहीं। नासा का अंतरिक्ष यान जिस एस्टेरॉयड से टकराया, उससे धरती को कोई खतरा नहीं पहुंचा। इस टक्कर के बाद भी धरती को कोई खतरा नहीं होगा, यानी कि भविष्य में भी इसके खतरे की कोई आशंका नहीं है। नासा के स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रॉयड से टक्कर उस बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जिसमें देखा जा रहा है कि अगर भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड धरती की ओर बढ़े तो क्या उसका रास्ता हम बदल सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि डाइमॉर्फस होते क्या हैं। डाइमॉर्फस एक बाइनरी स्टेरॉयड सिस्टम का हिस्सा है। इसमें सिस्टम में 2 एस्टेरॉयड होते हैं, जिसमें छोटा एस्टेरॉयड एक बड़े एस्टेरॉयड का चक्कर लगाता है। डाइमॉर्फस आकार में 163 मीटर चौड़ा यानी करीब 535 फीट का एस्टेरॉयड है। वहीं डीडीमॉस 780 मीटर यानी करीब 2560 फीट लंबा एस्टेरॉयड है। डाइमॉर्फस एक मूनलेट या नन्हा चांद एस्टेरॉयड है, मतलब नन्हे चांद के आकार का एस्टेरॉयड है, जो एक बड़े डीडीमॉस नामक एस्टेरॉयड का चक्कर लगाता है। डाइमॉर्फस और डीडीमॉस के बीच की दूरी महज 1.2 किलोमीटर है।
वहीं डीडी मॉस सूर्य का चक्कर लगाता है। ये सूरज के करीब 15 करोड़ से 30 करोड़ किलोमीटर दूर है और उनका एक चक्कर 2 साल और 1 महीने में पूरा करता है। नासा का अंतरिक्ष यान छोटे एस्टेरॉयड यानी कि डाइमॉर्फस से टकराया है। ग्रीक भाषा में डीडीमॉस का मतलब होता है जुड़वां और डाइमॉर्फस का मतलब होता है दो रूप। डीडीमॉस एस्टेरॉयड की खोज 1996 में जो मोंटानी ने की थी, जबकि डाइमॉर्फस की खोज 2003 में पेट प्रवेश ने की थी। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष यान के नेविगेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वह आखिरी 50 मिनटों में दोनों एस्टेरॉयड के बीच अंतर करते हुए छोटे एस्टेरॉयड डीमॉर्फस से ही टकराएगा, और ऐसा ही हुआ भी। अब हम बात करते हैं कि एस्टेरॉयड होते क्या हैं। एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर घूमने वाली चट्टाने ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट्स कहलाने के लिए बहुत छोटी होती हैं। उन्हें प्लैनेटाइड या माइनर प्लैनेट्स के रूप में भी जाना जाता है। कई एस्टेरॉयड प्लैनेट की ग्रेविटी से कई बार उनके चंद्रमा बन जाते हैं। जुपिटर के कुछ चंद्रमा इसके उदाहरण हैं। नासा के अनुसार एस्टेरॉयड ऐसी छोटी चट्टाने हवा रहित अवशेष हैं जो करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के बनने के दौरान बने थे। अब तक लाखों एस्टेरॉयड का पता चल चुका है जिनके आकार सैकड़ों किलोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अब तक 10 लाख से अधिक एस्टेरॉयड की पहचान कर चुकी है। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो से संबंधित PPT को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।